इनमें सुधार होने की तो कोई गुंजाइश नहीं, पर याद रखना, जैसे मोदी जी ने कहा ना 2024 में काला चोर को लोग वोट दे सकते हैं और भारत का अपमान करने वाले को, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति के अपमान करने वाले को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 140 करोड़ का सम्मान बढ़ाते हैं, इनको माफ नहीं करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपने गाना भी नहीं, राकेश जी दोनों ही है, आपके सामने तो वो वीडियो है। मतलब एक तो जलालत और फिर उसको हाईलाइट। राहुल गांधी को अब उसको एक दक्षिण की लड़की, उसने ट्यूटर रखी हुई है, 4 साल पहले उस लड़की ने कहा ये नरेंद्र मोदी पारस की मणि है, तू इसके पार्लियामेंट में पांव छू लेना तो देश में अच्छा मैसेज जाएगा। अब पांव छूने का तो संस्कार है नहीं, आप तो बच्चों को कहते हैं सुबह उठते ही दादा दादी के मां बाप के पांव छूना। इसने गड़ा पकड़ लिया और अपने एमपीया का न्याय मार दी, वो थारे कैमरा में कैद कर। ये डीएनए का भी फर्क है। इसमें सर एक जो दीपेंद्र हुड्डा है वो भी उन सांसदों के बीच मौजूद थे उस वक्त, और जिस तरीके से खुद जगदीप धनखड़ ने कहा कि मेरी कम्युनिटी को भी मतलब ये उनका उनके ऊपर भी एक तरीके से उनका अपमान है, जाट कम्युनिटी का वो जिक्र कर रहे थे, कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, वो तो जो करण के आप जानते हैं कि 1996 में हम थे तो 25 नंबर फ्लैट में हमारा दफ्तर था, 24 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का दफ्तर था, विद्यासागर जी पत्रकार थे, राकेश जी जनसत्ता के, तो पहले मेरी बात सुन के गए, फिर चौटाला साहब के, और फिर उन्होंने जनसत्ता में छाप दिया कबीरा तेरी झोंपड़ी गड़कटियन के पास, करण गे सो भरण गे मस्त रहो राम विदास। ये बात तो जो भी इस पाप में शामिल है ना, 9 साल में नरेंद्र भाई मोदी के काम पर ये जनादेश मिला है। तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी एबीवीपी का पुराना कार्यकर्ता है मुदगिल जी, यहां तो यही संस्कार चलेगा। ऋषि सुनक भारत का बेटा मुरारी बापू की कथा लंदन में जाके बैठ गया 2.5 घंटे, निमला आई एम हेयर नॉट एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, आई एम हेयर दैट आई एम हिंदू। सर रिफ्रेश करता हूँ इसी सवाल को, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर जिस तरह से आपने रिश्ता बता दिया कि बड़ा करीबी रिश्ता जो है आपका परिवार का, यस यस आई एम प्राउड ऑफ इट, हरियाणा के साथ भी एक संबंध है हमका, लेकिन जब बात आती है देश को रिप्रेजेंट करने की, चाहे दीपेंद्र हुड्डा है हरियाणा को भी रिप्रेजेंट करते हैं देश की सर्वोच्च में, ऐसी परिस्थिति में जिस आदमी चाहे उपराष्ट्रपति का जिस तरह से मिमिक्री किया गया, उनका हाथ उड़ाना और हंसना ठहाके लगाना, क्या सलाह देंगे सर सरकार से, क्योंकि वो भी सेम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, सेम स्टेट को बिलोंग करते हैं? नहीं, इनको सलाह तो बंदोवर क्या देंगे, सलाह तो उसको दीजिए जिसको सलाह सुहाए। सलाह दी थी बांद्रा ने घर भैया को जाए, राकेश भैया एक चिड़िया होती है भैया, और वो अपने बच्चों के लिए एक एक तिनका लगा के घोंसला बनाती है, कई बार आजकल लोग पर्यटन में वो घोंसले बेचते हैं,
तो बंदर ने सलाह दे दी, वो भैया का बेचारा घर ही उड़ा ले गया। सलाह की बात नहीं, मैं राजनीतिक गतिविधि की बात कर रहा हूं। कुछ लोग हिंदुस्तान को किताब से पढ़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान की तो मिट्टी में लौटना पड़ता है। ये बहन बैठी हमारी, सर वो ये कि है उनका वो बार बार ये कह रहे थी, उन्होंने सवाल पूछा भी, उन्होंने भी कि जो दीपेंद्र हुड्डा को लेकर आपकी पार्टी सवाल करेगा, ये खासकर इसमें जो कम्युनिटी फैक्टर आ गया, जाट फैक्टर आया, उसका क्या समझा? नहीं नहीं, कम्युनिटी की बात, अकेली कम्युनिटी की बात नहीं है जी, देखिए ये अब वो एक परिवार में पैदा हुए हैं, आदमी की जब भावनाएं आहत होती है तो सब लोग देखते हैं। बात एक कम्युनिटी की, केवल कम्युनिटी की नहीं है। आज जगदीप जी धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं जी। उपराष्ट्रपति जो होता है, कल भैरव सिंह शेखावत साहब उपराष्ट्रपति थे तो राज्यसभा के वो चेयरमैन होते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी चलाई, ये बड़ी अच्छी चला, ठीक है सर। राहुल गांधी से पहले भी जब इस तरीके की बातें सामने आई है, जब वो विदेश यात्रा पे गए तो देश के प्रधानमंत्री पे या देश की सरकार पर टिप्पणी जो हुई, उसके बाद देश में उसकी चर्चा हुई, राहुल गांधी की आप भूमिका जिस तरीके की बार बार सामने आती है उसको लेकर? नहीं, मैं पवन ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी बेचारे की मुसीबत ये है कि उसके दिमाग में एक कैसेट फंस गई है, वो बहुत टेंशन में है। उसके दिमाग में एक टेंशन, एक मतलब बात बैठ गई है ना, कई लोगों के बारे में भविष्यवाणी मेरी तो आप मानते ही हो, तेरे बारे में कह दिया था भाई पहला छोरा होगा, इसकी ब्याह में गया था पहला छोरा भाई, ये हमको भगवान शंकर की कृपा है ना जी। आप में से विधानसभा कवर करते रहते हो, जितेंद्र तू सुन ले बात सुन, विधानसभा में एक बहुत अहंकारी मुख्यमंत्री था, मैं एकला एमएलए था, मैंने एक बात कही थी, मन का भाई एक गांव में नंबरदार मर गया, पड़ोस का छोरा मात बुझन ला गया, माँ इब नंबरदारी किसके आवे, बोलो भाई राम मेर का आवे, बोलो राम मेर के कुछ हो जा तो, बोलो जितेंद्र का आवे, बोलो जितेंद्र का भी किमी हो जा तो, बोलो गाबा का आवे, बोलो गाबा भी सलट जा तो, माँ समझ गई, बोला बेटा सारो गांव मर जाओ, तेरा नाम नंबरदारी में नहीं। मैं पिछले 20 साल से आपको ये कथा सुनाते आ रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी, उन्होंने लिखा जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर ले ही। भगवान के, हाँ राहुल मैं कहता हूं, बड़ा आत्मविश्वास से कहता हूं, उसका उठना हिंदुस्तानी नहीं है, उसका बैठना हिंदुस्तानी नहीं है। अब वो ममता ने खड़गे जी का नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए रख दिया, इसमें भाई हमारा क्या कसूर है? है तो आदमी की परंपरा है ना। अब जो आदमी भारत तोड़ो यात्रा शुरू करता है और केरल में जिस पादरी को, राकेश जी, जिस पादरी को गरीब हिंदुओं झुग्गी झोंपड़ी वालों को लोभ लालच देके धर्म परिवर्तन के दोषी पाया गया, जिसको 10 साल की सजा हुई, विवेकानंद रॉक मेमोरियल आने के और उसके घर में तो ठहरे, महाराष्ट्र में वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी को, और बड़ी ठोक के कहता है आई एम नॉट सावरकर, अरे तू 100 पीढ़ी जन्म ले ले तो अलबत्त तने जन्म मानस योनि में खत्म हो लिया, सावरकर तू कैसे बन सकता है। मैंने काला पानी की वो 623 नंबर कोठरी देखी है, 3 बार देखी है, फूल चढ़ा के आए वीर सावरकर को, जब काला पानी की जिसको सजा होती थी तो उसके गले में पट्टा होता, रॉबर्ट बेरी नाम का एक जालिम जेलर होता था,
पीपल के पेड़ के नीचे ऊंची कुर्सी गेट के ऊपर, और सावरकर को जब नीचे से निकालने लगे तो रॉबर्ट बेरी ने, और सावरकर जी समुद्री जहाज के होल से, हथकड़ी से होल को चौड़ा करके समुद्र में कूद गए थे। 7.5 किलो की बेड़ी पड़ी हुई थी, फ्रांस की पुलिस ने दे दिया, और वो अंग्रेजी में कहना है विल दिस ब्लडी लिव फॉर 40 इयर्स, 20-20 साल की दो सजा थी। सावरकर ने उल्टा हटके हथकड़ी बजा के आई मे लिव और नॉट बट दिस ब्लडी ब्रिटिश एम्पायर विल नॉट लिव इन माई कंट्री फॉर 40 इयर्स। सर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जिस तरीके से टीएमसी के नेता सांसद द्वारा जो मंडी की गई है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, जैसा जिसका कृत्य है उसको वैसा ही बताया गया, इसमें कुछ गलत नहीं है। बीजेपी जो है वो मीडिया में इसको बड़ा बनाकर मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। देखिए बंधुओं, अब तो मीडिया का जमाना है, और मैं पत्रकार छायाकार मित्रों का बहुत आभारी हूँ कि ये सब बातों को, सब घटनाओं को और समाज को चश्मदीद गवाह बनाते हुए दिखाते हैं। ये उनको मुबारक हो, उनको अपने, परंतु ये जो घटनाएं हैं इसी का परिणाम 2024 में इनको, ये जो समाज है, ये जो अपना समाज है, हम परंपरा को निभाने वाले लोग हैं, जो हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाएगा उसको ये समाज, मैंने रामायण का उदाहरण देकर के आपको बताया, ये लोग तो तमाशा करते हैं। इन्होंने पार्लियामेंट को हास्यास्पद बना दिया। एमपी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी पार्लियामेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, इसी में 45 साल श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी रहे, श्रेष्ठ ऐसे ऐसे लोग हुए, और आज ऐसे लोग मेंबर पार्लियामेंट हैं। भारत के लोग की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। कांग्रेस को जस्टिफाई कर रही है, चाहे उदय भान हो या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अभिनंदन चौधरी हो, वो कह रहे हैं कि ऐसा पहले हिस्ट्री में नहीं हुआ, इतनी बड़ी तादाद में सांसदों को जब बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये उनको मुबारक, पर भारत के लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। हम लोग, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं, वो बहन हमारी, और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। दुनिया सब देख रही है, हिंदुस्तान में गांव में रहना, गरीब घर में पैदा होना कोई पाप नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पियेंगे भाई, इधर ही आ जाए। हाँ, बाद में टाइम दे। आप भी नर्म हो, लास्ट मतलब डेज हैं, लास्ट ईयर है चुनाव का, आपने मांग का स्टाइल भी बदल दिया, ये अब्दुल कलाम आजाद की तरह, तो आप भी थोड़ा सा स्टाइल बदलो जी, थोड़ा सा बात। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो मैं खड़ा हुआ उसके साथ, पहले मेरा राइट था, नहीं ठीक, वो आपने मेरे को दिया, आपने कहा कि बाद में बोलना, ये बात बाद में बुलवा लेंगे। मेरा स्पीकर सोनी, थैंक यू स्पीकर सर। नहीं, अभय सिंह जी बाद में बोल लेंगे, चलो बाद में। अब आपने कहा था अभय सिंह जी, अभय सिंह जी, अभय सिंह वो फिर वही बात, अभय काला टेंशन मोशन। ऐसा है कि अगर सारे 40 के 40 जो आपके नियम है, नियम के मुताबिक 5 लोग एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर बोल सकते हैं, अब उसके अंदर ही 14 है एक ही के अंदर, नहीं एडजर्नमेंट मोशन, नहीं एडजर्नमेंट मोशन के अंदर भी 2 या 3 या 4 ही बोलेंगे ना सारा। अब इसके हम तो 5 बुलवा रहे हैं, 5 जो लोग हैं वो अपना प्रस्ताव। हाँ नहीं, देखिए अगर ये कोई नई चीज नहीं है, जैसा आपको पहले ही पता है,
लेकिन ध्यानाकर्षण जो जो भी आपका एडजर्नमेंट मोशन एडमिट करने के योग्य होगा, जिसके ऊपर कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं आया होगा तो जरूर हाँ नहीं, वो कॉलिंग अटेंशन में मतलब विषय ऐसा है कि सबके ध्यान में जरूर आना चाहिए, मैंने इसलिए इसको एडमिट किया है। नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, वो आपका राइट है वो आपने हाँ अभय जी। स्पीकर महोदय, मैं इस मान सदन का ध्यान एकत्री लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मुझे अभी हाल ही में नवंबर 2023 में प्रदेश के यमुनानगर अम्बाड़ा जिले में जहरीली और नकली शराब पीने के कारण लगभग 22 लोगों की मौत हुई। गत वर्षों में भी सोनीपत, पानीपत व फरीदाबाद सहित कई जिलों में भी जहरीली और नकली शराब पीने के कारण सैकड़ों मौत हुई है। प्रदेश में अवैध नकली शराब के धंधे पर अंकुश न लगाने की वजह से धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली शराब घोटाले में के बाद विभिन्न जिलों में शराब गोदामों की चेकिंग की गई तो 75,250 पेटी शराब की कम पाई गई, जिससे स्पष्ट है कि शराब का अवैध कारोबार जो है निरंकुश तौर पर जारी है, जो कि सत्ता में बैठे राजनेताओं अधिकारियों के संरक्षण में सम्मिलता के बिना संभव नहीं हो सकता है। प्रदेश में खासतौर पर करनाल, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, जींद, सिरसा, हिसार, फरीदाबाद आदि जिलों में अवैध और नकली शराब का कारोबार धड़ेले से अभी भी चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले की जांच के लिए सरकार द्वारा SCT गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट आज तक भी सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई। प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति गहरा रोष प्राप्त है, अतः सदन में अपना वक्तव्य दें। श्री बलराज कुंडू जी। हाँ जी, पोर्टल के ऊपर चढ़ा हुआ है तो खोल दो। हाँ जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस सदन महान सदन का ध्यान अति लोकहित विषय की ओर दिलवाना चाहता हूं। हरियाणा में शराब माफियाओं का जबरदस्त जाल फैला हुआ है, खुलेआम अवैध